कान के ऑपरेशन के बाद कैसे देखभाल करनी चाहिए? यस दोस्तों, बहुत कॉमन सवाल है दोस्तों। जब मेरे पेशेंट सर्जरी करा के चले जाते हैं, उसके बाद फोन आता है, सर मैं नींबू खाऊं, सर मैं खाना खा लूं, सर मैं ये नॉनवेज खा लूं, सर मैं ये ऐसा कर लूं। दोस्तों ये बड़े ध्यान से सुनने की बात है। अगर आपका कान का ऑपरेशन हुआ है, कान का ऑपरेशन होने जा रहा है, तो वो क्या सावधानी है जो मुझे रखनी है, मैं आपको बता देता हूँ। कान के जो ऑपरेशन होता है, चाहे वो दूरबीन का ऑपरेशन आपने कराया हो, चाहे वो हाथ का ऑपरेशन वो कराया हो, कान के ऑपरेशन के बाद जो सावधानियां हैं उनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन, मेडिकेशन। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने जो आपको मेडिकेशन एडवाइज की है वो आपको प्रॉपर लेना चाहिए। नंबर वन सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, बहुत बार हमने देखा है कि कई बुजुर्ग या ऐसा उनको लगता है कि मेरे को ये भारी मात्रा की या हैवी एंटीबायोटिक दे दिया, लूज मोशन हो गया, एलर्जी हो गया। दोस्तों ध्यान रहे, अगर हो सकता है, विभिन्न तरीके के लोग होते हैं, अगर मान लो कोई किसी साल्ट से आपको एलर्जी हो गई, किसी साल्ट से कोई लूज मोशन या पेट खराब हो गया, तो आपका जो इंक्वायरी नंबर डॉक्टर का दिया हुआ है वहाँ कॉल करके बताओ कि सर ये मेरे को दवा है, इस दवा से ऐसे है, तो उसका क्या है कि उसका रिप्लेसमेंट फिर जो है वो दोस्तों उसका निकाला जाता है, लेकिन आपको दवाई बंद नहीं करनी है। नंबर वन, जैसे ही दवाई खत्म होती है आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बहुत बार मरीज क्या करता है कि जैसे आपका दवाई 10 तारीख को खत्म हो गई और 16 तारीख को डॉक्टर के पास जाता है, तो 5-6 दिन का बीच में गैप नहीं आना चाहिए। नंबर दो, आपका जो खान पान, मोस्टली जो दोस्तों सवाल होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, जो फोन आते हैं, वो होते हैं खान पान से रिलेटेड। पेशेंट बड़ा कॉन्शियस होता है, कुछ चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा होता है, एक खट्टा खा लूँ क्या मैं, इसके लिए बहुत सारे सवाल होते हैं, हर पेशेंट का क्वेरी होते हैं, मैं खट्टा खा लूँ क्या। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ऑपरेशन के बाद जो फर्स्ट दिन होता है, तो हमें थोड़ा सा हमेशा कोई भी हमें सर्जरी होती है, क्योंकि कान में पार्टिकुलरली क्या होता है कि ये जो जॉइंट होता है हमारा, ये कान के पास में होता है, TM जॉइंट जो होता है, तो इसमें अगर कोई हार्ड चीज़ आप चबाते हो तो आपको दर्द होगा, इसलिए आपको क्या है कि लिक्विड डाइट, फिर सेमी सॉलिड डाइट, फिर आपको सॉलिड डाइट, दैट मीन्स पहले दूध, दलिया, खिचड़ी, मैंगो सेक, पपीता सेक, आपका जो है ये बनाना, ये आप सब ले सकते हैं। धीरे धीरे आप छाछ में रोटी डाल के, दूध में रोटी डाल के, दलिया, खिचड़ी ये भी ले सकते हैं, एंड कम मसाले की जो है वो दाल और फुल्का भी ले सकते हैं। आपको क्या नहीं लेना है ये मैं बता देता हूँ। नॉनवेज, बहुत तेज स्पाइसी फूड, बहुत सख्त चबाने की चीजें ये नहीं लेनी है। अब सवाल आता है, डॉक्टर साहब अचार खट्टा में खाऊं? दोस्तों अचार और ये सब चीज़ें खट्टी होती हैं, बट उनसे एसिडिटी होती है, इसलिए वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। खट्टा मौसमी का जूस ले सकते हो, नींबू ले सकते हो, उनमें विटामिन सी होती है, उससे हमारे हीलिंग अच्छी होती है। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि खट्टा नहीं खाना, ऐसा नहीं है, आप ये डाइट आप ले सकते हो। डाइट आप जो है एक बैलेंस डाइट लो, फ्लूड अच्छा लो, सब्जियां भी लो, फ्रूट्स भी लो, ठीक है ना, ये सब चीज ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों तीसरी कैटेगरी आती है ओवरऑल जनरल केयर, फिजिकल एक्टिविटीज। बहुत सारे लोगों को है कि आज सर्जरी हुई है, मेरे को तो जिम जाना ही है, मेरे को पार्क में सर जाना ही है, मेरे को तो सर्विस पे जाना ही है। दोस्तों सर्जरी के बाद में क्या है, 2 या 3 दिन तक आपको जो है फिजिकल एक्टिविटी हैवी नहीं करनी चाहिए। हमारा जो टिश्यू होता है उस पर ताकत पड़ती है, हीलिंग डिले होता है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको जॉगिंग आप कर सकते हो, प्राणायाम वगैरह भी आप कर सकते हो। फिजिकल एक्टिविटी में हैवी वेट लिफ्टिंग है, भारी जैसे काम है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, स्विमिंग है, ये सब अवॉइड करने चाहिए। एंड 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। नंबर 1 स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग नहीं करनी है। नंबर 2 अल्कोहल, वो आपको सर्जरी के 1 महीने तक नहीं लेना होता, एटलीस्ट 15 दिन तो दोस्तों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन सबसे जो अंदर आपका टिश्यू का जो घाव भर रहा है, हीलिंग, बिकॉज दे डिले द हीलिंग, सो ये चीज़ें जो है आपको नहीं करनी चाहिए। सो आपने देखा जनरल केयर, मेडिसिन एंड आपकी डाइट, तीन ही चीज़ों का हमें
आपको ऑपरेशन के बाद ध्यान रखना है। अगर आपने इन तीन चीजों का केयर किया है तो आपका ऑपरेशन अच्छा होगा, आपका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। सो दोस्तों, आई थिंक दिस इन्फॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल फॉर यू। डेफिनेटली यू कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स, जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द पोस्ट ऑपरेटिव लुक आफ्टर केयर फॉर ईयर सर्जरी। थैंक यू।